तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेतागण, हमारे कार्यकर्तागण, तृणमूल कांग्रेस के जिन्होंने इतने कम समय की सूचना पे इतनी बड़ी विशाल जनसभा और ऐतिहासिक जनसभा का आयोजन किया, मैं इसके लिए तृणमूल कांग्रेस के छात्रों को, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेताओं को और सबसे ज्यादा आज भारतवर्ष की सबसे लोकप्रिय, सबसे दमदार वन एंड ओनली वन टाइगर्स ऑफ बंगाल ऑनरेबल सीएम ऑफ बंगाल मासेस इन ट्रू सेंस ममता जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ और उनके नेतृत्व की बहुत सराहना करता हूँ, समर्थन देता हूँ और आप तमाम भाइयों बहनों को जो इतनी बड़ी तादाद में यहाँ आए हैं, आप तमाम लोगों को मैं अपनी शुभेच्छा देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और अपने घरों को मैं प्रणाम करता हूँ, उनका आशीर्वाद चाहता हूँ। हम ये खाए थे पाटनार लोग अपना सामने बांगला के दौड़वा चेष्टा कर যদি কিছু ভুল চুপ হোক আমাকে ক্ষমা করবে, ঠিক আছে? তো সেই জন্য তো বললাম আমি কি বহু জান হ্যাঁ। দেখো আমি প্রমিস করেছিলাম আমি এসে গেছি, কিন্তু তার আগে আমাকে মমতাজি মমতাজি নিজে এমনি টুইট করলেন, আমার সঙ্গে অনেকবার দেখা হয়েছে, উনি দিল্লি আসতেন আমার সঙ্গে দেখা হতো, আমি কলকাতায় গেলেই ওনার সঙ্গে দেখা করতাম, কিন্তু আমি জানতাম না এই ডেস্টিনি ছিল, আমার ভাগ্য ছিল আসানসোল আর আসানসোল লোক আপনারা আমার ভাগ্য ছিলেন, সেইটা আমি সেই সময় জানতাম না। আমাকে উনি টুইট করলেন উনি করলেন আর আমাকে ফোন করলেন কি সম্পূর্ণজি আপনার নাম আমরা অ্যানাউন্স করে দিয়েছি, আপনি যান আসানসোলের লোক আপনার ওয়েট করছে, আপনি তো লড়াকু, আপনি তো প্রিন্সিপালকে ফাইট করেন, আপনি তো এতদিন হয়ে গেছে আপনি স্পেড কে স্পেড বলেন, আমি তো কোনো আপনি কোনো পারবা করেন না, আপনি যান আসানসোল ওরা আপনার ওয়েট করছে, আপনাকে ওইখান থেকে ফাইট করতে হবে, আপনাকে করতে হবে করতে হবে, আপনি বেশি এখন কিছু বলুন না, আপনি যান 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 আর যান আসানসোল যান, ওইখানে নরেন্দ্রবাবু আছেন, ওইখানে আমাদের ম্যাজিক বলে ঘটকবাবু আছেন, বলে ঘটকবাবু ওরা আপনার দেখভাল আপনার গার্ডিয়ান থাকবেন, আপনি যান আসানসোল। মমতা জি কা নির্দেশ আর হমারে আপনে আসানসোল কে পরিবার মেরে লিয়ে অধ্যাদেশ বন গয়া আর মে আপনে পরিবার কে সাথ সিধে আসানসোল আ গয়া পরিবার কে সাথ আপনে ইস পরিবার সে মিলনে আপকে দুঃখ সুখ কা ভাগীদার হোকর আপনে হমারে फोटो खिंचवाना है, हम सामने बड़ा पॉलिटिकल को सीरियस बात कर रहा है, कहता है इधर आइए ना दादा एक तो फोटो खिंचवाना है, खामोश अभी आता हूँ। Gracias.
मैं नरेंद्र जी का उम्मीदवार हूँ, मैं तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार हूँ और सही मायनों में मैं आसनसोल के जनता जनार्दन का उम्मीदवार हूँ, उस परिवार का उम्मीदवार हूँ। मैं जब से आया हूँ यहाँ की समस्याओं के बारे में सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, चाहे कोयला खदान की समस्या है, चाहे हमारे मजदूरों की समस्या है, हमारे मामला यहाँ यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन हुआ या फिर जो एफडीआई जो 100% किया, मैं बताने आया हूँ आप लोगों को ये जो एफडीआई 100% एफडीआई हमारे मित्र जो है भारतीय जनता पार्टी के मना करते थे कि एफडीआई नहीं होना चाहिए, 100% नहीं होना चाहिए, आज उन्हीं लोगों ने कर दिया, एफडीआई कर दिया। अब मैं एक बात अपने परिवार को, फैमिली को, यंगर जनरेशन को कहना चाहता हूँ, किस तो उन्होंने किया उनके जमाने में हुआ, तो वो तो उसकी लड़ाई लड़ेंगे नहीं। और फिर एफडीआई किसने किया 100%, ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे फ्रेंड्स ने किया, उनके जमाने में हुआ ये पॉलिसी, तो फिर वो तो इसकी लड़ाई लड़ेंगे नहीं, उनको ठीक करेंगे नहीं। आज पूरे देश में रेल बिक रहा है, ऐसी लड़ाकू आयरन लेडी ऑफ इंडिया ममता बनर्जी का है, लड़ाई कौन लड़ेगा उनके साथ? नरेंद्र बाबू लड़ेंगे, तृणमूल कांग्रेस लड़ेगी, आपका अपना भाई शक्ति को सिरा लड़ेगा। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है, कोई सेल्फिंग नहीं है आने का। मैं दो बार मैं कैबिनेट मिनिस्टर रह चुका हूँ, पूरे भारतवर्ष के फिल्म उद्योग से पहला आदमी मैं रहा, रिकॉर्ड बुक्स में दर्ज है, ये रिकॉर्ड बुक्स में लिखा हुआ, पहला आदमी मैं रहा। तो आप सब जरूर मानेंगे कि आज तक आपने मेरे बारे में कोई इल्जाम, कोई करप्शन का आपने हमारे ऊपर आरोप नहीं सुना होगा, क्योंकि मैं जनता की अमानत खयानत नहीं कर सकता हूँ, जनता की अमानत से छेड़छाड़ नहीं कर सकता हूँ। ये आपकी अमानत है, सरकार आपकी अमानत, हमारे घर की महिलाओं को, हमारी माताओं और बहनों को, अपने पति और पिता से भी छुपाकर उन्हीं की दवा दारू के लिए, उन्हीं के इलाज के लिए, उन्हीं के शादी ब्याह के लिए, उन्हीं बच्चों की पढ़ाई के लिए बहुत सारे पैसे जो छुपा तकिया के नीचे या अलमीरे के पीछे, अचानक सारे पैसे हवा हवाई हो गए, देश में त्राहिमाम की स्थिति हो गई, लोग बर्बाद होने लगे, रोने लगे। सबसे पहले किसी ने आवाज उठाई नोटबंदी के, ममता जी ने उठाई थी, आधे घंटे के अंदर उन्होंने आवाज उठाई, और उसके बाद जिस तरह भारतीय जनता पार्टी में ही था, इतने सालों से था, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी नहीं रह गई, अब वहां लोकशाही नहीं है, अब वहां तानाशाही चल रही है, ये मोदी जी की काम है। आप ममता जी की भाषा बोल रहे हैं, मैंने कहा सर आप समझ जाइए कि व्यक्ति से बड़ा पार्टी होता है और पार्टी से बड़ा देश होता है और देश से बड़ा कुछ भी नहीं होता। ये देश इतने गलत हुआ, ये देश इतने जाप्ती हुई है, ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं हुआ नोटबंदी, उसके बाद तबाह हो गया, कपड़े व्यापारी हो, कोई व्यापारी हो, बर्बाद हो गए, नौकरियां जाने लगी, आपके पॉकेट खाली होने लगे, और ये जीएसटी कर दिया कॉम्प्लिकेटेड। यंगर जनरेशन को पता होगा, आपको पता होगा, साल में 365 दिन होते हैं,
और जीएसटी में अमेंडमेंट जो हुआ है आज तक 375 बार से ज्यादा अमेंडमेंट हो चुका है। इतना कंफ्यूजन है, इतनी क्लैरिटी नहीं है उसमें। सबसे पहले जीएसटी के खिलाफ आवाज उठाई तो देश की सर्वमान्य सबसे बड़ी नेता, सबसे पॉपुलर नेता ममता बनर्जी ने आवाज उठाई और उसके बाद किसी ने आवाज उठाई तो मैंने आवाज उठाई। मुझे कल्याण बनर्जी जी, आपके जो एमपी भी रह चुके हैं कल्याण बनर्जी, वो हमेशा कहते थे मुझको कि शत्रुघ्न जी आपका सोच सही है, रास्ता सही नहीं है, आपको नेतृत्व विनती नहीं चाहिए मोदी जी की, आपको नेतृत्व चाहिए ममता बनर्जी की, जो लोकशाही में विश्वास रखती है, जो जनता को साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। आप यहां आइए, ममता जी भी चाहती थी, इसलिए हमने जब सुख से सुर मिलाया और ममता जी का साथ देने लगा तो उन्होंने कहा ममता जी भी चाहती है कि आप आइए, तृणमूल कांग्रेस में आइए। अभी देखिए क्या संयोग बना, कितना अच्छा हुआ कि मैं अपने परिवार के पास, अपने लोगों के पास ममता जी के निर्देश पे, कल्याण बाबू के सुझाव पे, आप लोगों की चाहत पे, मैं आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ने के लिए मैं तृणमूल कांग्रेस में आ गया, आसनसोल में आ गया और अब मैं आया हूं तो नेक इरादा लेकर और बुलंद इरादा लेकर। मेरी जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है, जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे और सारा आसमान बाकी है। आप सोचो अगर मैं घर बार का व्यापार परिवार छोड़ के मुंबई से पटना, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से पटना, पटना से आसनसोल, अगर मैं आ सकता हूं समाज के प्रति, प्रदेश के प्रति, अपने लोगों के प्रति, थोड़ा बहुत ही सही क्यों ना हो, सागर की एक बूंद के समान ही क्यों ना हो, अगर मैं अपना योगदान दे सकता हूं डेवलपमेंट के लिए, प्रगति के लिए, सुख शांति के लिए, तो आप तो मुझसे ज्यादा कर सकते हैं। इसलिए कि आपके अंदर ज्यादा जोश है, जवानी है, हौसला है, आप ठान लें तो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं, आप ठान लें तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर सकते हैं। दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, दाद देती है गर्दिशे दौरा, जिंदगी एहतराम करती है, इश्क जब मौत से टकराता है मौत झुककर सलाम करती है। आइए हम सब मिल जाए एक परिवार की तरह, सुख दुख के भागीदार हो जाए, हम लोग आके ममता जी के हाथों को और मजबूत करें, आसनसोल की समस्याओं के समाधान के लिए हमें जुट जाए, लग जाए, अपने बंगोल की आन बान शाम की गरिमा में चार चांद लगाए हम सब मिलकर, और हम कर सकते हैं। और जो नियति का या नियत का जो फैसला होगा हमें स्वीकार होगा, क्योंकि हम जानते हैं हम कंस्ट्रक्टिव काम करने जा रहे हैं, क्रिएटिव काम करने जा रहे हैं, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। बोलिए फिर का बोल, फिर का हम बोलेंगे, थोड़ा सा ठहर जाए, पहले चुनाव हो जाए तो बोल, सब प्राथमिकता के साथ होगी ना, अभी तो शुरुआत हुई ना, देखा आगे आगे होके रखा। बहुत अच्छा लगा, आइए हम लोग सब साथ चलते हैं, अभी बहुत कुछ करना बाकी है।